हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है लेफ्ट ओवर राइस और लेफ्ट ओवर दाल से बना हुआ डोसा। ये डोसा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना बहुत ही इजी है। चलिए डोसा बनाना शुरू करते हैं। डोसा बनाने के लिए यहाँ पे गरम पैन में हम हाफ कप पोहा दे देंगे। इसे हमें 1 से 2 मिनट ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये देने से डोसा बहुत क्रंची बनता है। अब हम इसे एक जार में निकाल लेंगे। साथ ही हम इस जार में लेफ्ट ओवर राइस दे देंगे। यहाँ पे 1 कप लेफ्ट ओवर राइस लिया है। 1 कप लेफ्ट ओवर दाल भी दे देंगे। ध्यान रहे दाल थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। दाल आप किसी भी तरह का ले सकते हो। यहाँ पे मैंने मूंग दाल लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी दे देंगे। अब इसे ब्लेंड करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ध्यान रहे इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सॉल्ट दे देंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स दे देंगे। इन सब को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट आप ध्यान से दीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा सॉल्ट पहले, क्योंकि दाल में भी सॉल्ट हमारा था पहले से। अब हम डोसा पैन को गर्म कर लेंगे और यहाँ पर मैंने एक प्याज का टुकड़ा लिया है ग्रीस करने के लिए पैन को। पैन में थोड़ा सा घी दे देंगे। अब हम इसे ग्रीस कर लेंगे प्याज से। आप चाहे तो टिश्यू पेपर से भी इसे ग्रीस कर सकते हो। बैटर इसमें पोर कर लेंगे और इसे हम इस तरह से गोल गोल फैला देंगे। ऊपर से थोड़ा सा घी दे देंगे। ये देखिए, इसे हमें थोड़ी देर कुक करना है और ये कितने आसानी से नीचे से अलग हो जा रहा है। हमारा ये प्लेन डोसा तैयार है। इसे दोनों तरफ से थोड़ा सा हमें फ्राई करना है। अब मैं आपको पिज़्ज़ा डोसा बना के दिखाऊंगी। इसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस का यूज़ किया है, साथ ही मैंने मोज़रेला चीज़ का भी यूज़ किया है। आप चाहे तो प्याज कैप्सिकम भी इसमें दे सकते हो। अगर आपके पास कोई लेफ्ट ओवर सब्ज़ी है तो आप उस सब्ज़ी को भी इस डोसा में दे सकते हो। आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ये देखिए, हमारा पिज़्ज़ा डोसा भी रेडी हो चुका है ना। ये बहुत ही इजी रेसिपी और साथ ही हेल्दी भी। तो इसी तरह और भी यूनिक रेसिपीज़ जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसे और भी बड़ा बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।